जिस मुल्क के लोग इस जज्बा रखते हों उस मुल्क को कौन शिकस्त दे सकता है। ये पकड़ो यार। जैसे कि आप जानते हैं ठीक आज से 77 साल पहले लाहौर के इसी शहर में करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जिसके 7 साल की जदोजहद के बाद हमने पाकिस्तान हासिल किया। जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान का क़याम 14 अगस्त 1947 को हुआ। ये 27 रमज़ान की रात थी। जो मुल्क जिसका वजूद जिसका क़याम 27 रमज़ान की बाबरकत रात को हुआ हो, जो अल्लाह और रसूल के नाम पर बनाया गया हो, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जिस वक्त पाकिस्तान का क़याम हुआ तो मुल्क माशी समाजी सियासी और दिफाई लिहाज से कमज़ोर था, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें अपना हक नहीं दिया था। कलील वसाइल के बावजूद हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत की और इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है जो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। इस सफ़र में हमसे कुछ गलतियां भी हुई जिनसे हमने सीखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने असल रास्ते पर गामजन हो चुका है, जो कि आईन और कानून का रास्ता है। आज पाकिस्तान का हर इदारा नहायत ही ईमानदारी और तनदही के साथ अपना काम कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब हम पाकिस्तान को इलामा इकबाल और कायद अजम का पाकिस्तान बना के दम लेंगे। इस सफर में हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं हर फील्ड में, चाहे वो 48, 65, 71 कारगिल का मार्का हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ऑपरेशन राय रास्त हो या रदुल फसाद, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो यहां पर चिराग जल रहे हैं इनमें हमारे शहीदों का खून शामिल है। क्वेटा के शहीद हों, एलओसी के शहीद हों या धीर के शहीद हों, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूल सकते। हम पर अपने शहीदों का खून कर्ज है। हम उस फौज से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने सैचन के मुश्किल तरीन इलाके में एक पूरा ग्लेशियर खोद मारा और अपने तमाम जवानों के जस्ते खाकी निकाल लिए। अगर हम वो काम कर सकते हैं तो आप मेरा यकीन कीजिए, हम हर दहशतगर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मन जो मशरक में हैं या मगरब में हैं, वो ये मेरी बात जान लें कि उनके बारूद और गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे जवानों की छातियां ख़त्म नहीं होगी। जिस वक्त तक ये कौम वो जानिसार पैदा करती रहेगी जो मुल्क की आन के ऊपर कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार हैं, इस मुल्क को कोई आंच नहीं आ सकती। इस वक्त भी पाकिस्तान को बेतहाशा बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस का मुकाबला का सामना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाक फौज, जिसमें रेंजर्स बाकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज तमाम लोग शामिल हैं, हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। कोई ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की तरफ गलत नज़र से आंख उठाकर देखेगी या पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाक फौज और तमाम इदारे उसके सामने
سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے تمام ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ یہ جو جھنڈا ہم نے آج سر بلند کیا ہے، یہ ہماری ترقی اور بلندی کی علامت ہے۔ جس طریقے سے یہ جھنڈا آج اوپر گیا ہے، 400 فٹ پہ گیا ہے، انشاءاللہ پاکستان بھی اسی طریقے سے اور اسی رفتار سے ترقی کرے گا۔ آخر میں میں اس پرچم کشائی کی عمدہ تقریب کا انعقاد کرنے پر ڈی جی رینجر اور ان کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کا یہ جذبہ قائم رہے گا اور پاکستان کو ہم قائد اعظم کا پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ آمین۔ رینجرز زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ پاکستان زندہ آباد۔ جنرل قمر جاوید۔